सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां दा सिलसिला शुरू करन तो पहला एक नज़र मार लैने आं सुर्खियां दे वल। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की सारे डाक्टरां ते होर मैडिकल पेशावरां दा कोविड महामारी नाल नजिठण विच निभाईआं बेमिसाल सेवावां दी शलाघा। कैप्टन ने केंद्र सरकार नूं कीती अपील। मुख्यमंत्री ने दो महीनों में सारी योग वसों नूं कवर करने लई केंद्र नूं होर वैक्सीन भेजण लई कहा। केजरीवाल ने पंजाब लई कीते तीन वड्डे ऐलान। बिजली बिलां नूं लैके कीता वड्डा दावा। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने ते सूबे के हरेक परिवार नूं 24 घंटे प्रति महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिती जाएगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारे डाक्टरां ते होर मैडिकल पेशावरां दा कोविड महामारी नाल नजिठण विच सूबे दी मदद करदियां निभाईआं बेमिसाल सेवावां दी शलाघा करदियां धन्नवाद कीता। मुख्यमंत्री ने डाक्टरां दी सख्त मेहनत दी सराहना करदियां कहा कि मैडिकल पेशावरां वल्लों अपने जानां खतरे विच पा के निरस्वार्थ ते स्वै कुरबानी दा काम करना सारिआं लई प्रेरणा है। सरकार ते सूबे दे लोकां दी तरफों उन्हां दा धन्नवाद करदियां मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई नूं मनाए जाण वाले कौमांतरी डाक्टर दिवस दे संदर्भ विच अपने संखेप संदेश विच कहा कि सारे सूबे नूं मैडिकल पेशावरां उत्ते मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेक पंजाबी डॉक्टरां मैडिकल स्टाफ ते सारे हैल्थ वर्कर्स दा ऋणी है जिन्हां ने औखे समय विच निरंतर साथ दिता। कैप्टन ने कहा कि इन्हां विचों कई पेशावरां ते वर्करज नूं अपने सहयोगियां ते होरनां नूं कोविड कारण गवाउणा भी पिया पर उन्हां अपने आप नूं खतरे विच पा के मरीजां दा इलाज ते उन्हां दी पूरी तरह सांभ संभाल जारी रखी। उन्हां कहा कि असीं जानां बचाउण लई तुहाडे योगदान नूं नहीं भुल्लांगे। हरेक पंजाबी निस्वार्थ सेवावां नूं हमेशा याद रखेगा। सूबे विच कोविशील्ड टीकियां दी घाट ते कोवैक्सीन दियां सिर्फ 1,12,821 खुराकां दे मद्देनज़र पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र कोलों होर वैक्सीन मुहैया कराउण संबंधी अपनी मंग नूं दोहराया तां जो अगले 2 महीनों विच योग व्यक्ति दा टीकाकरण मुकम्मल करन लई 18 तों 45 साल उमर वर्ग दे सारे व्यक्तियां नूं कोविड दे टीके लगाए जा सकण। वैक्सीन दी उपलब्धता नूं ध्यान विच रखदिआं भावें उन्हां वल्लों 18 तों 45 साल उमर वर्ग दी आबादी दे टीकाकरण लई हुकम दे मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने कहा कि सब तो पहला तरजीही वर्गों नूं कवर करने लई कोशिशां कीतियां जाणगियां। उन्हां कहा कि उन्हां दी सरकार ने 2 महीनों विच सारे योग व्यक्तियों के टीकाकरण का टीचा मिथ्या जिस तों बाद समा सूची अनुसार टीके की दूजी खुराक दी जाएगी। मौजूदा समय टीकाकरण लई पंजाब की योग आबादी के 4.8% हिस्से का मुकम्मल टीकाकरण हो चुके है ते जिला मोहाली पहली ते दूजी खुराकां लगाउण विच मोहरी है। कोविड समीक्षा वर्चुअल मीटिंग दौरान पंजाब विच टीकाकरण की प्रगति ते स्थिति का जायजा लैंदे हुए मुख्यमंत्री ने पाया कि सूबा सरकार पहला ही 62 लाख तो वध योग व्यक्तियों नूं टीका लगा चुकी है ते बिना किसी बर्बादी तो स्टॉक की वरतों कर रही है। हालांकि वड्डे पद्धर ते टीकियां दी घाट है। मौजूदा समय सूबे विच कोविशील्ड का भंडार खत्म हो चुका है ते कोवैक्सीन टीकियां दा भी बहुत घट भंडार उपलब्ध है। कोविड के औखे समय विच मिल्कफेड पंजाब वल्लों डेयरी धंधे नाल जुड़े किसानां लई खुशी की खबर है कि 1 जुलाई तो किसानां तो दुध के खरीद भाव विच 20 रुपए प्रति किलो फैट विच वाधा करन दा फैसला किया गया। यह खुलासा सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी सरकारी रिहायश विखे प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसीएशन के प्रधान दलजीत सिंह सदरपुरा की अगवाई विच मिले दुध उत्पादकां नाल मीटिंग दौरान किया। उन्होंने कहा कि मिल्कफेड पंजाब ने हमेशा ही डेयरी धंधे नाल जुड़े किसानां दी हमेशा बांह फड़ी है ते आने वाले समय विच होर भी अगे वध के मदद करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय दौरान जो कुछ प्राइवेट खरीदारा ने दुध खरीदना बंद कर दिता सी ते बाकियां ने दुध के भाव घटा दिते सन तां मिल्कफेड ने अपने सीमित साधनों के बावजूद ना सिर्फ सारा दुध ही खरीदया सगो दुध के भाव भी नहीं घटाए। इतने प्रथा जारी रखदिया हुण फिर मिल्कफेड वालों दुध के खरीद भाव विच 20 रुपए प्रति किलो फैट विच वाधा करन दा फैसला किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाबियों की आर्थिक खुशहाली का मंत्र दिंदिया
आप वालों पहली गरंटी का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से सूबे के हरेक परिवार को 24 घंटे प्रति महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिजली के रहते बिल भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर रहे SC BC आजादी गुलाटी आदि वर्ग हूँ 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकेंगे। इस बिजली बिल ना भरन करके कट्टे गए बिजली कनैक्शनों भी मुड़ बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब के लोगों विश्वास दवाउंदा है कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहली ही कलम के नाल पहली गरंटी के ऐलाना लागू किया जाएगा। इस समय पंजाब के प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान, पंजाब मामलों के इंचार्ज ते दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह, पंजाब विधानसभा विच विरोधी धिर के आगू हरपाल चीमा ते आप दे कई मैंबर मौजूद रहे। पंजाब के अंदर बिजली बनती है, पंजाब अपनी बिजली बनाता है, जितनी बिजली पंजाब को चाहिए उससे ज्यादा बिजली पंजाब बनाता है, उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली पूरे देश में पंजाब में क्यों मिलती है? दिल्ली में हम बिजली नहीं बनाते, जरा सी भी बिजली नहीं बनती दिल्ली में, सारी बिजली हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं, उसके बावजूद भी पूरे देश में लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। पंजाब में बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि बिजली कंपनियों में और पंजाब के सरकारी सत्ता में गंदी साठगांठ है। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। तो ये तीन बड़े बड़े ऐलान हैं, एक हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, दो पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा, जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी, और तीसरी चीज 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अब ये जो मैंने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है, ये कैप्टन के वादे नहीं है। तो आप पूछोगे कि जी कितने दिन में पूरे कर, उनके वादे तो 5 साल हो गए तब भी पूरे नहीं हुए। जैसे ही सरकार बनेगी पहली कलम से पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली माफ कर दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वालों पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने पंजाब के लोगों 300 यूनिट माफ अते बिजली बिल के बकाए माफ करने के सियासी ऐलान तो बाद आम लोग रली मिली प्रतिक्रिया दे रहे ने। अमृतसर के लोगों ने इस बाबत कहा कि वादे तो हर कोई कर लेंदा पर उन्होंने पूरा करना उस तो कितने जरूरी है। और जैसे मैं बात करें दिल्ली के बयान की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे वो बता रहे हैं कि हाँ इतने बिल माफ़ कर दिए जाएंगे, अब 300 यूनिट जो पर बंदे को माफ़ कर दिया जाएगा, ये चीज़ें से देखे वैसे तो पॉलिटिक्स जैसे स्टार्ट होती है ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या कि ये देखना ये होता है कि हाँ बंदे पूरे कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। बंदे वादे तो जरूर कर देते, लेकिन ना मोस्टली हमने देखा ही है कि ये इन चीज़ों के ऊपर मतलब कोई बात में पूछता नहीं है कि हाँ वोट लेने के लिए बस हाँ कर देते हैं, बाद में कोई इनका सोल्यूशन वगैरह निकलता नहीं है। सर जो उन्होंने एक बयान तो बहुत बड़ा दिया है कि एक तो 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी और पुराने बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, और जो ये बयान दिया हम इस पर एक बार तो कहना चाहेंगे कि पंजाब की जनता को चाहिए एक बार इन पर विश्वास करके देखे, क्योंकि कांग्रेस को भी अजमा चुके हैं इतने सालों से, BJP को भी अजमा चुके हैं, तो ये दिल्ली में तो इन्होंने नो डाउट काफ़ी कुछ किया है। तो जो ये बयान दिया कि 300 यूनिट माफ़ कर देंगे और बिजली के पुराने बिल माफ़ कर देंगे, तो एक बार इनको चांस दे के देखेंगे कि क्या करते हैं, नहीं तो 5 साल बाद फिर दोबारा इलेक्शन तो आना ही है। अगर तो अच्छा करेंगे तो सरवाइव करेंगे, नहीं तो फिर बाकियों की तरह ये भी फिर बाहर ही जाएंगे। दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वालों दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पहली बार TGT पंजाबी के अहदे 876 असामिया की नियुक्ति वास्ते बीते दिन अखबारों में इश्तहार दिए गए सन। इस गल नूं ध्यान में रखते हुए पंजाबी मां बोली के लंबरदार दिल्ली यूनीवर्सिटी के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर जसविंदर सिंह ने पंजाबी विषय के अध्यापक बनने वाले दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान के उम्मीदवारों को अपील की है कि वह इन पोस्टों लिए फार्म भरने वास्ते वध तो वध गिनती अगे आउण। नियुक्ति दियां शर्तां बारे जानकारी देंदे हुए डॉक्टर जसविंदर
रविंदर सिंह ने दसिया कि फार्म भरने वाले उम्मीदवार का अध्यापक योग्यता का सी टेस्ट पास किया होना जरूरी है ते नाल ही बीए तक पंजाबी नू लाजमी विषय के नाल बीएड की होनी चाहिए है। डॉक्टर जसविंदर सिंह ने यह भी दसिया है कि फार्म भरन की आखिरी तरीक 4 जुलाई 2021 है ते फार्म ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने पोस्टा भरने लिए पंजाबी भाईचारे को वध तो वध गिनती विच अगे आना चाहिए ताकि सरकार यह कहण का मौका ही ना मिले कि असीं तां पंजाबी अध्यापकों दीआं पोस्टां कढ़दे आं पर इन्हां ते नियुक्त होण लई कोई अगे नहीं आउंदा। सेवा पंथी अड्डन शाही सभा के प्रधान महंत करमजीत सिंह यमुनानगर वाले ते संत जोगा सिंह जी करनाल वाले अदारा चढ़दी कला के दफ्तर विच पहुंचे। इस मौके चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरेक्टर स्वर्गासी सतबीर सिंह दर्दी की आत्मिक शांति लिए चौपाई साहब के पाठ की अरदास की गई। इस मौके अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी, मैडम जसविंदर कौर दर्दी, हरप्रीत सिंह दर्दी भी मौजूद रहे। संगरूर दे पिंड जौलियां च श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दे मामले च संत समाज दे बाबा काला सिंह जी नानकसर वाले बाबा अजीत सिंह जी निर्मल कुटिया जौलां जलंधर सेवा पंथी अड्डन शाही सभा दे प्रधान महंत करमजीत सिंह जी, संत जोगा सिंह जी नानकसर करनाल, बाबा हरचरण सिंह जी नानकसर कुटिया पटियाला, बाबा अर्जन सिंह जी आलमपुर, बाबा मनमोहन सिंह जी बारन वाले, बाबा प्रीतम सिंह जी राजपुरा, बाबा रविंदर सिंह नानकसर वाले, बाबा नछत्र सिंह जी काली कंबली वाले, महंत बाबा शेर सिंह जी सनाम, बाबा अजीत सिंह जी नानकसर बरनाला, बाबा अमरीक सिंह जी बोड़पुर पटियाला गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचे ते उन्होंने इस मामले च दोषी महिला खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दस दिए कि बीते दिनी संगरूर के पिंड जौलियां च एक महिला ने गुरुद्वारा साहिब विच दाखिल होकर तेल पा के पावन सरूप नूं अग ला दी सी, जिस तों बाद पुलिस ने महिला नूं गिरफ्तार कर लिया सी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा अज कश्मीर विच अगवाकारी धर्म परिवर्तन ते जबरी निकाह का शिकार हुई मनमीत कौर नूं लैके कौमी राजधानी दिल्ली परत आए। दिल्ली IG एयरपोर्ट से मीडिया नाल गल करदिआं सिरसा ने कहा कि वह मन गए सन कि गुरु तेग बहादुर साहब के आशीर्वाद सदका इस मामले में फतेह हासिल करके ही परतनगे ते गुरु साहब ने बहुत वड्डी रहमत ते बख्शिश की है ते दोवें लड़कियां सिख परिवारां कोल वापस परत आईआं ने। उन्होंने दस्सिआ कि मनमीत कौर उन्हां दे नाल कौमी राज आई ता जो गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धमकियां दे के सिख कुड़ियां अगवा करके जबरी धर्म परिवर्तन करके उन्होंने बुढ़िया नाल निकाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि असी सिख लड़कियां नाल कश्मीर तां कि दुनिया के किसी भी हिस्से में धक्केशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते ते ना ही करांगे। उन्होंने कहा कि जेकर किसी के मन में इस बारे कोई भुलेख है तो वह दूर कर लवे। इस मगरों श्री सिरसा ने मनमीत कौर नूं नाल लैके गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे मत्था टेकिया ते गुरु साहब दा आशीर्वाद प्राप्त कीता। जलंधर च कांग्रसी विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संगठन नूं मजबूत करने लिए वड्डे उपराले कर रही है जिस तहत LDMRC प्रोग्राम तहत पार्टी वर्करां नूं एकजुट किया जा रहा है। रायकोट के कस्बा पखोवाल स्थित पावरकॉम सब डिवीजन दफ्तर अगे पिंड कालसियां ते लील दे किसानां ने खेतां दी बिजली सप्लाई ते लगदे ऐलाने कट्टां तो दुखी BKU अते BKU उकराहां दी अगवाई विच धरना लगाया जिस दौरान अत दी गर्मी विच वड्डी गिनती च किसानां ने शमूलियत कीती ते रायकोट हलवारा रोड ते आवाजाई पूरी तरह ठप रखी जिस कारण राहगीरां ते होरनां लोकां नूं काफ़ी मुश्किलां दा सामना करना पिया।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे शहर पटियाला विच 100 दिन तो वध समय तो BSNL दे टावर ते चढ़े ETT टेट पास अध्यापक सुरेंद्र पाल दी तबीयत बिगड़दी जा रही है। पिछले 10 दिन तो भुख हड़ताल ते उन्हां नाल गलबात करन लई श्रोमणी अकाली दल दे आगू सुरजीत सिंह रखड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बेरोजगारां नाल धक्का कर रही। उन्होंने कहा कि प्रशासन अध्यापकों की मंग मननी चाहिए है। बहुजन समाज पार्टी का अलायंस करन दा जिहड़ियां पार्टियां चाहुंदियां ने कि असीं इकट्ठे हो के हो सकदा होरां नाल भी साडा हो जाए। विश्वास जां बेविश्वास की गल नहीं, आपां दो कम कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। दो भरा अपने होर कहिंदे भी आपां जां होर इकट्ठे रख के कर लैणे, आपां वधिया होर कम कर लवांगे। इहदे च असीं पहलां भी उही कम कर रहे हां। जो कुछ बहुजन समाज पार्टी आए कह रहे हैं कि सानूं दलित भाईचारे की सुननी चाहिए है, गरीब लोगों की सुननी चाहिए है, किहने सुनिया इह? अज जिन्नी वारी सुनिया श्रोमणी अकाली दल ने सुनिया है। लुधियाना च श्रोमणी अकाली दल बादल दे आगुआं ने रोस प्रदर्शन किया, जिस दौरान अकाली आगू शरणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि किसानों नूं उन्हां दीआं जमीनां दा बनदा मुल उन्हां नूं दित्ता जावे। उन्हां कहा कि लुधियाना दे हलका सानेवाल च कई पिंडां दी जमीन हाईवे लई एक्वायर की जा रही है ते उन्हां नूं बनदा मुआवजा नहीं दित्ता जा रहा, जिस कारण किसान दुखी ने। लुधियाना पुलिस जोन 3 वालों एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान खुलासा किया गया है कि अपराधियों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम तहत लुधियाना पुलिस जोन 3 वालों 21 FIR दर्ज करके कुल 39 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जो नशा तस्करी चोरी ते लुट आदि के मामलों च लुड़ींदे सन। लुधियाना के पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर दीपक पारिक ने इस संबंधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कई मुलजमान तो हैरोइन ते गांजा भी बरामद होया, जिन्हों से कई गंभीर इल्जाम ने। गुरदासपुर के बहरामपुर विच बीते 2 दिन पहला डॉक्टर के हुए कतल मामले विच SSP गुरदासपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चा ना होने करके डॉक्टर वालों बूटा की दुकान करते नौजवान लक्की नूं मेरे मारे जाते सन, जिस तों परेशान होकर नौजवान ने अपने साथी नाल मिलकर डॉक्टर का कतल किया। इस मामले में पुलिस ने दोवां दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया, हत्या दौरान वरत्या गया हथियार भी बरामद किया। आहुन नजर मार दे हैं आज दे मौसम दे हाल दे वाल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्यवाद।